केयर की ऑफ हैप्पीनेस। तो गाइस आप में से कुछ लोगों को पता नहीं है कि फ्रेंड्स के साथ हम कैसे ज्वाइन होते हैं। तो जैसे कि मेरे सिर्फ 10 वर्ड हैं, मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कि वर्ल्ड अपने अपने दूसरे फ्रेंड जो भी फ्रेंड है उसके वर्ल्ड में ज्वाइन कैसे होना है। तो देखिए सबसे पहले जब हम गेम चलाएंगे तो ऐसा आ जाता है, आपका नाम आ जाएगा, फिर प्ले प्ले इतना तो आपको पता होगा, फिर आपके ये वर्ल्ड आ जाएंगे जितने भी हैं आपके 150 जितने भी। फिर थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आता है फ्रेंड फ्रेंड्स, और थर्ड आता है सर्वर्स। हमें जाना है सेकंड ऑप्शन में, फ्रेंड्स में जाना है हमको। फिर यहाँ पर आपका लगभग ऐसा ही आ रहा होगा सबका, क्योंकि अभी मेरा फ्रेंड ज्वाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने अभी कनेक्ट नहीं करा है। अभी क्या कनेक्ट करना है, वो कैसे करना है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप देखना कि अभी मेरा कुछ नहीं आ रहा है, अब मैं अपने फ्रेंड के वर्ल्ड में ज्वाइन हो जाऊँगी। और देख लीजिए ये सारे वर्ल्ड मेरे हैं, 10 वर्ल्ड हैं सिर्फ मेरे, और मैं अपने फ्रेंड के वर्ल्ड में ज्वाइन हो जाऊंगी अभी गाइस। तो देखिए जिस जिसको ज्वाइन होना है, जैसे मुझे ज्वाइन होना है अपने फ्रेंड के वर्ल्ड में, तो जिसको ज्वाइन होना है जैसे मुझे, तो मेरे फ़ोन में सिम होना चाहिए फर्स्ट बात, मतलब मेरे फ़ोन में सिम होना चाहिए, जिससे सिम तो आपको पता है जैसे बैटरी सिम होता है वैसे, आपके फ़ोन में सिम होना चाहिए जिससे नेट चलता हो, जिसमें नेट भी हो, तो फिर ये हम नेट से ही ज्वाइन हो पाते हैं और नेट से ही खेल पाएंगे। बस बहुत कम क्वांटिटी में नेट यूज़ होगा आपका। तो हमको क्या करना है, जैसे मेरे को ज्वाइन होना है तो मैं क्या करूँगी, अपना नेट ऑन कर दूँगी। जैसे मेरा मोबाइल डाटा ऑन हो गया है, ठीक है, और फिर मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दूँगी। जैसे मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दूँगी, फिर मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया अपना, और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगी कि मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट करे, जो मेरा सिम है, मेरा नेट है, मेरा हॉटस्पॉट है, उससे वो कनेक्ट करे मेरा फ्रेंड। मेरा फ्रेंड जब कनेक्ट करेगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि योर फ्रेंड इज़ ऑनलाइन। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे, मैं फ्रेंड को बोलूँगी अपने कि आप मेरे नेट से कनेक्ट करो। सो गाइज मैंने अपने फ्रेंड को बोला है कि आप मेरे नेट से कनेक्ट करो। देखो मेरा मोबाइल डाटा ऑन है, मेरा हॉटस्पॉट ऑन है, ये मोबाइल डाटा है और ये हॉटस्पॉट है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो फिर अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ भी गया है 1 डिवाइस कनेक्टेड, हम मतलब मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ कनेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर आपको इस तरह से कनेक्ट होना है तो आप आपस में मतलब एक ही घर में होने चाहिए जहाँ तक ये रेंज पहुँच सके एक नेट की। जिस बंदे को ज्वाइन होना है उसके नेट की जहाँ तक रेंज पहुँच सकती है वहीं तक वो दूसरे बंदे आपस में जुड़े रहने चाहिए। जैसे कि मेरा दोस्त जो भी है हर्जस है, वो भी यहीं बैठा है, तो फिर जहाँ तक मेरे नेट की रेंज जा सकती है वहीं तक वो जा सकता है, फिर हम डिसकनेक्ट हो जाएंगे आपस में। तो अब मैं इनके वर्ल्ड में ज्वाइन हो जाऊँगी। जैसे अभी कुछ भी नहीं था, जैसे ही उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट करा 1 डिवाइस कनेक्टेड आ गया है यहाँ पर जो कि उनका फ़ोन है। तो फिर यहाँ पर एक फ्रेंड का भी ऑप्शन आ गया है जिससे अब हम कनेक्ट करेंगे। हमने उनके वर्ल्ड में ज्वाइन करा है, अब हम ये डाउनलोड एंड ज्वाइन, उनकी ग्राफिक्स का ऑप्शन आ रहा है कि आप डाउनलोड करना चाहेंगे कि नहीं, उन्होंने जो उनसे भी ग्राफिक्स लगाए होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन आया है कि हम फ्रेंड के साथ ज्वाइन भी हो पाए हैं और उनके ग्राफिक्स भी यूज़ कर पाए हैं। और ग्राफिक्स हमको जैसे कि एक ही फ्रेंड के पास होने चाहिए, वो भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको जैसे वर्ल्ड में अभी लोकेट हो रहा है सर्वर, लोकेटिंग सर्वर जैसे कि जनरेटिंग वर्ल्ड डन, उनके पास मेरा मैसेज गया होगा एक, जैसे जब हम कोई मर जाता है तो यहाँ पर ऊपर आता है मैसेज डाइड जो भी होता है, वैसे ही अब आया होगा कि ज्वाइन द गेम, जैसे मेरा नाम जो भी मेरा नाम है कि ज्वाइन द गेम। सो गाइज ये था वो वर्ल्ड जिसमें उन्होंने मेरे को ज्वाइन कर दिया है। ये क्या है, इतना गंदा लैग कर रहा है। चलो गाइज ज्वाइन तो हो गए हम लोग, ये देखो इनके वर्ल्ड में हम ज्वाइन हुए हैं और ये इनके पास सारी ऑप्शंस हैं। जैसे कि हम पहले पैदा कहीं और हुए, जैसे हम इधर वाली साइड पैदा हुए थे तो उन्होंने मेरे को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया। और गाइस आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर कमेंट में है जिसका वर्ल्ड होता है, जैसे ये सेटिंग है उसके बगल में एक ऑप्शन आता है थर्ड ऑप्शन, वो बीच में आता है कीपैड और सेटिंग के, जिसका वर्ल्ड होता है अगर आप ज्वाइन हो गए हो और जिसका वर्ल्ड है वो अगर चेंज करना चाहे कि अगर अभी रेनिंग हो रही है या फिर नाइट हो रखी है, तो यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन आता है उससे हम टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं किसी को। हम 3-4 ऑप्शंस होते हैं लेकिन मेरे को उसमें से 2 ही ऑप्शन के बारे में पता है कि जो दूसरा फ्रेंड है उसके पास हम भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं और हम वो हमें भी टेलीपोर्ट कर सकता है जो ज्वाइन भी हो रखे हैं। और आप एक वर्ल्ड में अब 5 से 6 लोग ज्वाइन हो सकते हैं और अभी और वो वेदर भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। गाइज ये हमारी एक
किला हमने बनाया है खुद गाइस। आप जैसा कि देख सकते हैं ये वाटर है, ग्राफिक जो मैंने डाउनलोड करे थे उस चीज़ की उस ग्राफिक से दिख रहा है ये। तो गाइस अब इसमें हमने ये खुद बनाया है गाइस, आप यकीन करिए, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। इसमें भी बहुत, जैसे कि आपने देखा अभी अभी रात हो रही थी, और मेरा फ्रेंड जिसके वर्ल्ड में मैं ज्वाइन हुई हूँ उसने रात को सुबह कर दिया। जैसे कि आपको पता है कमेंट में जाए यहाँ पर कीपैड और सेटिंग के बीच में एक ऑप्शन आएगा, उससे हमको टेलीपोर्ट कर सकते हैं वो और वेदर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस इन्होंने मेरे को टेलीपोर्ट कर दिया है अपने पास, कहाँ हैं इन्होंने मेरे को टेलीपोर्ट कर दिया है अपने पास। ऐसे हम कर सकते हैं, मैं किधर आ गई भाई, ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं जिसका वर्ल्ड होगा। लेकिन वो अगर आप सीख गए हैं अपने फ्रेंड के साथ ज्वाइन होना, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जिनको आपके साथ ज्वाइन होना है। और अगर आप नहीं सीखे हैं तो फिर से एक बार वीडियो देखिए और सीख लीजिए। क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये रहे जिन्होंने मुझे टेलीपोर्ट करा था। तो आप सीख लीजिए फिर से एक और बार, और हम इस किले को शानदार अच्छे से तरीके से हम दिखाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज अगर आप सीख गए हैं, क्या यार मेरे को टेलीपोर्ट करे जा रहे हो भाई, हम इसको अच्छे तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे अपनी कि ये किला हमने ही बनाया है और ये एक्सपी फार्म है जिसको हम चलाना भी सिखाएंगे आपकी हमारी पहली वीडियो में। इससे पहली जो वीडियो है, जस्ट इससे पहली वीडियो में हमने इस एक्सपी फार्म को चलाना सिखाया है, वो हमको एक्सपी देता है। जैसे हम के हमारे पास कोई बुक है उसको हम इंजॉयमेंट करने से पहले एक्सपी भी चाहिए होती है, या तो हम वो किसी एनिमल को मार के ले सकते हैं, या फिर हम उस चीज़ को इस एक्सपी फार्म जो हमने बनाया है उससे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसे कि मैंने ये ग्राफिक्स लिए हैं अपने फ्रेंड के, वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। उसके बाद आप मेरी वीडियो को तब तक लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मैं अभी सिखाती हूँ आपको कि ग्राफिक्स कैसे हम अपने फ्रेंड के ले सकते हैं, जैसे उन्होंने किसी ऐप जिससे भी डाउनलोड कर रहे हैं वो ग्राफिक्स हम अपने पास, जैसे मेरे पास ज्वाइन का ऑप्शन आया था, वो कैसे करना है अभी मैं आपको सिखा देती हूँ। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ग्राफिक्स का ऑप्शन कैसे आएगा। जैसे कि आपके पास कोई ग्राफिक्स नहीं है आपके, लेकिन आप जिसके वर्ल्ड में ज्वाइन हो रहे हैं उसके पास ग्राफिक्स है, तो जैसे मेरे पास ऑप्शन आया था 2 MB का डाउनलोड एंड ज्वाइन का, वैसे आपके पास कैसे आएगा। लेकिन जिसका वर्ल्ड है उसको पहले ये अपना ग्राफिक्स उसको एक्टिव करना पड़ेगा, जैसे कि हमने कर दिया है, और फिर हमको जाना पड़ेगा प्ले सेटिंग्स में वापस, ग्लोबल रिसोर्सेज, माय पैक, फिर से हम एक्टिव करके दिखा देते हैं, ये कर दिया हमने एक्टिव। फिर हम जाएंगे बैक और हमको अब जाना है प्ले में। अब प्ले में गए हम, आपको जोन सा भी वर्ल्ड अपने फ्रेंड के साथ खेलना है उसको आपको दबाना है। जैसे आप हम अपना फर्स्ट वाला वर्ल्ड ले लेते हैं, आप जोन सा भी वर्ल्ड लेना है उसमें जाओ, उसके जो सबसे लास्ट में पैन का ऑप्शन था उसमें, और फिर जाओ रिसोर्सेज पैक्स में, और फिर आएगा आपके पास ऑप्शन एक्टिव और माय पैक्स और गेट मोर पैक्स। फिर हमको जाना है माय पैक्स में और फिर एक्टिव कर देना है। और अब जो उसके वर्ल्ड में ज्वाइन हो रहा है, जैसे मैं हर जिसके वर्ल्ड में ज्वाइन हुई थी, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा जैसे कि आया था, जैसे डाउनलोड एंड ज्वाइन, वैसे अब आप लोगों के पास भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे कुछ ऐसे किसी की ग्राफिक्स पहले डाउनलोड करने पड़ेंगे, फिर ऐसे करो तो आपके पास भी ऑप्शन आ जाएगा ग्राफिक्स का। चलो गाइज थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you.